नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं इस वक्त की बड़ी खबरें। तो वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरदोई एसपी अजय कुमार, 33 पुलिसकर्मियों पर एसपी की कार्रवाई, आरक्षी मुख्य आरबी हुए लाइन हाजिर, दो उर्दू अनुवादकों को भी किया लाइन हाजिर। तो बड़ी खबर, हरदोई एसपी अजय कुमार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर उन्होंने 33 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। आरक्षी मुख्य आरक्षी लाइन हाजिर किए गए हैं, दो उर्दू अनुवादकों को भी किया गया लाइन हाजिर। तो हरदोई में एसपी अजय कुमार की बड़ी कार्रवाई 33 पुलिसकर्मियों पर की गई है, जिन्हें लाइन हाजिर किया गया है। आरक्षी मुख्य आरक्षी लाइन हाजिर हुए हैं। तो बड़ी खबर, 33 पुलिसकर्मियों पर एसपी अजय कुमार की कार्रवाई। लखनऊ में अगली बड़ी खबर, लखनऊ में पुलिस की बर्बरता आई सामने, चोरी के आरोप में कैंट पुलिस ने दी सजा, पुलिस ने युवक को दिया थर्ड डिग्री, पीड़ित ने चोट का वीडियो वायरल कर मांगा इंसाफ। तो एक चोर के साथ थर्ड डिग्री पुलिसिया कार्रवाई की। तो पुलिस की बर्बरता किस कदर बढ़ गई, आप ये भी देख सकते हैं कि एक चोरी की वारदात को लेकर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया। हालांकि पीड़ित ने चोट का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर मांग की है कि कोई कार्रवाई की जाए, इंसाफ की मांग की है। तो लखनऊ पुलिस की बर्बरता, थर्ड डिग्री युवक पर इस्तेमाल किया गया जिसने चोरी की थी। चोरी के आरोप में कैंट पुलिस। वहीं चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार हो रही तेज बारिश, बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद, कर्मचारी हाईवे को खोलने में जुटे। तो हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार। तो चमोली में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कई बार जो मलबा है वो आकर रोडों पर इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से पहाड़ों से पत्थर गिरते हैं, जिसके चलते जो रोड जाम है, जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो हाईवे है वो पूरी तरह से बंद हो गया है, उसके चलते अब हाईवे को खोलने की प्रक्रिया की जा रही है और दोनों तरफ जाम लगा हुआ है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीबीआई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक, 10वीं 11वीं और 12वीं के अंकों से बनेगा रिजल्ट। अयोध्या जमीन विवाद पर साक्षी महाराज का हमला, बोले चंदा की रसीद वापस, पैसे ले ले, अखिलेश यादव और संजय सिंह। देश में बीते 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 71 दिनों बाद एक्टिव केस सबसे कम। अवैध देसी शराब का जखीरा बरामद, मैनपुरी में अवैध देसी शराब का जखीरा हुआ बरामद, शराब के साथ दो लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, पीड़ित प्रधान ने लगाया आरोप, दबंगों से पुलिस कर रही सांठगांठ। बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, अलीगढ़ में पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और इस केस को लेकर पुलिस खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। दरअसल थाना अकबराबाद के ग्राम वीरपुर गोबरा में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। दबंगों ने प्रधान के साथ मारपीट की और जब मारपीट के मामले में पीड़ित प्रधान से कार्रवाई की मांग की गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई भी नहीं की, उल्टा दबंगों के साथ सांठगांठ करके झूठी FIR ग्राम प्रधान और उसके स्वर्गीय पिता के नाम दर्ज करा दी, जबकि ग्राम प्रधान के पिता की 15 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान हिंदूवादी नेताओं के साथ अधिकारियों के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं।
थाना अकरावा दीपपुर गोबरा का मामला है। उसमें वहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं कालीचरण, उनके खिलाफ गांव के कुछ दबंग जो है वो लगातार साजिश करते आ रहे हैं। अभी बीच में उनके साथ मारपीट की थी, उनके साथ बदसलूकी इतनी हुई थी कि उनके मुंह में पेशाब कर दी। पुलिस ने विवेचना की, लेकिन आज तक उन आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस घटना से उन लोगों के हौसले और बुलंद हो गए और पुलिस कार्रवाई न होने की वजह से उन लोगों ने अभी हाल ही में प्रधान जी के साथ मारपीट की लगातार, और उसके बाद थाने में जाकर के पुलिस। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता का आरोप है कि कुछ दबंगों ने पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ की। पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ व रेप की कोशिश भी की गई। वहीं बीच बचाव करने पर दबंगों ने परिजनों को भी पीटा। वहीं घटना के 6 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक मामला दर्ज नहीं किया है। पीड़ित को लगातार आरोपी धमकियां भी दे रहे हैं। सर, मैं 10 तारीख को मेरे घर पर बदतमीज़ी हुई। कुछ लड़के आए, एक दो लड़के आए मेरे घर पर, उन्होंने मेरे संग बदतमीज़ी करने की कोशिश की। मैं यहाँ पर कंप्लेंट भी लिखवाई, उन्होंने मेरे संग रेप करने की कोशिश की। और मैं जब सास ससुर बीच बचाव में आया तो उन्हें मारा पीटा बहुत बुरी तरह। उनके मेरी सासू माँ के पैर टूटे हुए हैं, उनके पैरों पर लात मार के गया, उन्हें धक्का मुक्की करके गया और धमकी देकर गया कि मैं तुम लोगों को जान से मार। मैनपुरी की थाना करहल पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे को बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर गांव तेलियानी में अवैध देसी शराब, कच्ची शराब बरामद की गई है। शराब सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इससे पहले भी 1 सप्ताह के अंदर करहल पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा बरामद किया था और अवैध शराब के कारोबारियों पर पुलिस का शिकंजा कसना भी लगातार जारी है। कल शाम लगभग 6 बजे मुखबिर की सूचना पर करहल पुलिस ने गाँव तेलियानी से शराब बनाते हुए 2 अभियुक्तों को पकड़ा और 20 पेटी शराब और अन्य उपकरण भी। 1 अभियुक्त भागने में सफल हो गया, 2 अभियुक्त जो मैनपुरी के कुंवरपुल इलाके में एक किशोरी के साथ गांव के लोगों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद किशोरी को छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़िता को इसकी तरीके अस्पताल में इलाज के बाद भी भर्ती कराया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया। पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल प्रशिक्षण भी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल किसनी थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी और कंप्लेन जयपाल ने इस तरह की सूचना दी थी, तो उस कंटेक्स्ट में फिर तत्काल फोर्स थाने से गई थी, इंस्पेक्टर भी गए थे। और क्योंकि लड़की नाबालिग थी और उसके साथ बलात्कार का मामला प्रकाश में आया है, अभियुक्त कहीं ना कहीं से जान पहचान के भी प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी विधिवत इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और मुकदमा 376 और 7 में पॉक्सो एक्ट का दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की तलाश जारी है, शीघ्र ही का उनको अरेस्ट कर लिया जाए। मेरी भतीजी करीब 2 घंटे से लमसम 1.5 घंटे 2 घंटे से गाय थी। जो पड़ोस की जो भतीजी लगती है वो भी पड़ोस में रजनी नाम की लड़की थी, वो लेके गई लैटरिन के वहाँ। वहाँ पे जब मैंने डोना डकोरी की तो डब्बा गई बड़ा, तो मैंने फिर का किसनी भी चेक किया, कटरा भी चेक किया, ये नहीं मिली। फिर घर पे जब देखा तो खेत में लड़की बेहोश मिली। किस हालत में थी लड़की जब मिली तब? बिल्कुल बेहोश हालत। ताजनगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने आगरा विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने आगरा विकास प्राधिकरण के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिला अध्यक्ष रौनक ठाकुर का कहना है कि विकास प्राधिकरण ने जानबूझकर मंदिर को तोड़ा गया। हिंदू महासभा ने यह भी ऐलान किया है कि अगर 72 घंटे में मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो हिंदू महासभा के पदाधिकारी आगरा विकास प्राधिकरण के गेट पर आत्मदाह करेंगे। बता दें कि थाना सिकंदराबाद के देहतोरा में बने 70 साल पुराने मंदिर को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण का हवाला देते हुए तोड़ दिया गया था। संबंध यह है, जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी जी करा रहे हैं, वहीं यहां आगरा प्रशासन योगी जी की सरकार को बदनाम करने के लिए देहतोरा में 70 वर्षों से प्राचीन हनुमान मंदिर और अन्य देवी देवताओं का मंदिर तोड़ने का कृत्य ACM गर्मा सिंह और ADA के निगरानी में किया गया, जिसका हिंदू महासभा घोर विरोध करता है। इन बजरंगियों को जगाने का कार्य ADA ने कर दिया, लेकिन सुलाने का कार्य हिंदू महासभा करेगा। जब तक अगर 72 घंटे के अंदर मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो हिंदू महासभा स्वयं
उस मंदिर का निर्माण कराएगा और जो अवैध मजारे हैं जिन्हें तोड़ने की हिमायत गर्मा सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी नहीं कर पाते हैं उसे तोड़ने का कार्य हिंदू महासभा का कार्य और ये बजरंगी करेगा, क्योंकि बजरंगियों को राम सेतु का निर्माण करना भी आता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना भी आता है और बाबरी मस्जिद का विध्वंस करना भी आता है, तो इन्हें मजार तोड़ने का बहुत अच्छा अनुभव है और ये ऐसी मजारों को तोड़ने का कार्य हिंदू। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले का मामला तूर पकड़ता जा रहा है। जमीन घोटाले पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। जमीन घोटाले पर महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। लखनऊ कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रोक लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर प्रदेश सरकार के खिलाफ कर रहे नारेबाजी प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए आप सबको मालूम है कि एक अनपढ़ आदमी भी ये जानता है कि 2 करोड़ की जमीन खरीदी गई और 5 मिनट में वो 18 करोड़ की कैसे हो गई। हम लोग इसी मांग को लेकर हम लोग आज डीएम कार्यालय जा रहे हैं, हम लोग घेराव करने, उनसे कहने कि इसकी एक न्यायिक जांच हो, ये पता लगे कि आखिर 2 करोड़ की चीज 5 मिनट में 18 करोड़ की कैसे हो गई। ये लूट है, ये आम आदमी की जेब पर लूट है, जिन्होंने अपनी जेब काट कर चंदा दिया था राम मंदिर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को लेकर हम लोग आगे तक इस पे हम लोग संघर्ष करेंगे कांग्रेस पार्टी। रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल व्यक्ति और उसकी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि पुलिस ने सूचना के बाद राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया था, साथ ही ट्रक चालक को भी मौके पर हिरासत में ले लिया था। ये घटना मामा चौराहे के पास बने ओवरब्रिज के पास की है। तो ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर रायबरेली रोड पर हुई, जहां पर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ट्रक चालक को भी मौके पर से हिरासत में ले लिया है। जिस ट्रक ने इस बाइक को टक्कर मारी उस ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। बता दें घटना मामा चौराहे के पास बने ओवर ब्रिज के पास हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।